सिंड्रेला परी का जादुई तीन घाघरा चोली। उत्तर प्रदेश में पार्वती नाम की एक औरत अपनी तीन बेटी और पति के साथ रहती थी। पार्वती का पति एक हादसे में अपने दोनों हाथ और पैर खो चुका था, इसलिए वो चादर ओढ़ के पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर का पूरा खर्चा अकेले पार्वती ने उठा रखा था। पार्वती की तीनों बेटियों ने इसी साल स्कूल खत्म किया था। उन्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना था, लेकिन पार्वती के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तीनों बेटियों का एडमिशन एक साथ कॉलेज में करवा सके। माँ, कॉलेज में एडमिशन की डेट खत्म होने वाली है, क्या हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे? बेटी, तीनों का एडमिशन एक साथ करवाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं अभी जमींदार के यहाँ से कुछ कर्ज मांग कर लाती हूँ। फिर पार्वती अपनी तीनों बेटियों का कॉलेज में एडमिशन के लिए जमींदार के पास कर्ज मांगने चली जाती है। जमींदार जी, मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है, मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है, मुझे आपसे कुछ कर्जा चाहिए। ठीक है ले लो पैसे, लेकिन याद रखना, एक साल के अंदर अंदर तुमने अगर मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हें उसका दोगुना पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही जितना समय बीतता जाएगा तुम्हारे पैसे डबल होते जाएंगे। मुझे मंजूर है जमींदार साहब। इसके बाद जमींदार पार्वती को 25,000 रुपए दे देता है। पार्वती जमींदार का धन्यवाद करके घर चले जाती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटियों ये लो पैसे और तीनों अपना अपना कॉलेज में एडमिशन करवा लो। पार्वती की तीनों बेटियां कॉलेज में एडमिशन तो करवा लेती है, लेकिन जब वो कॉलेज जाना शुरू करती है तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़के और लड़कियां थे। उन सभी के बीच में तीनों बहनों को बहुत अजीब सा महसूस होता है। सबसे बड़ी वाली बहन बोलती है, नीलम यहाँ तो सबने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और हमारे कपड़े देखे, इनके आगे तो हम भिखारियों की तरह लग रहे हैं, कहीं ये लोग हमारा मजाक ना बना दे। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता होगा। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक सीमा नाम की बहुत खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आती है और कहती है, हेलो मेरा नाम सीमा है। वैसे तो तुम तीनों के चेहरे देखकर तीनों बहने लग रही हो। जी हम तीनों बहने ही हैं। बाय द वे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहाना धोना नहीं सिखाया क्या? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम कितनी लो स्टैंडर्ड लग रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? उसके बाद सीमा पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर देती है, पूरी क्लास कान खोलकर मेरी बात सुन ले, कोई भी इन तीनों लड़कियों से दोस्ती नहीं करेगा और अगर किसी ने इन तीनों गवार से दोस्ती की तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। सीमा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, साथ ही बहुत घमंडी भी थी। उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसे इस बात का बहुत घमंड था। सारी क्लास सीमा से बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, क्योंकि सीमा ने सबको तीनों बहनों से बात करने के लिए मना किया था तो पूरी क्लास में कोई भी तीनों बहनों से बात नहीं करता था। इतना ही नहीं, सभी मिलकर तीनों बहनों को परेशान भी किया करते थे। उसी कॉलेज में एक सेकंड ईयर में पढ़ने वाला बहुत ही ज्यादा डैशिंग और स्मार्ट कुणाल नाम का लड़का भी पढ़ता था। कुणाल की स्मार्टनेस पर पूरा कॉलेज मरता था, लेकिन कुणाल किसी को भाव तक नहीं देता था। सीमा भी कुणाल के पीछे पागल थी, लेकिन कुणाल सीमा को कुछ भी नहीं समझता था। इसी तरह कुछ समय बीतते गए। तीनों बहनों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पूरा एक साल हो गया, लेकिन इस एक साल में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीदी अगर मुझे पता होता कि कॉलेज के लोग इतने गंदे होते हैं तो मैं कभी यहाँ एडमिशन नहीं करवाती, ये लोग हमारा कितना मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं छोटी, माँ ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ना, हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और वैसे भी एग्जाम आने वाले है ना, जी जान लगाकर मेहनत करना। फिर क्या था, एग्जाम हुए और तीनों बहनों ने टॉप किया। तीनों बहनों ने टॉप किया ये देखकर सीमा बहुत जल गई।
सीमा से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तीनों ने टॉप कैसे किया। सीमा मन ही मन सोचती है, वैसे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है, फंक्शन में पहनने के लिए इन तीनों बहनों के पास कपड़े तो होंगे नहीं, मैं वही इनका मजाक बनाऊंगी, पूरे कॉलेज के आगे इनकी बेइज्जती करूंगी, तब इनको समझ आएगा। उसके बाद फिर से सीमा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और बोलती है, अरे ओ तीनों हीरोइने, कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है तो क्या पहन कर आ रही हो तीनों बहने, वही फटे पुराने कपड़े या कुछ अच्छा? सीमा की ये बात सुनकर उसका पूरा फ्रेंड सर्कल जोर जोर से हंसने लगता है। तीनों बहनों को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होती है। वो बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर आ जाती है। घर जाते वक्त नीलम कहती है, अरे हमारे पास तो सच में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है, कॉलेज के फंक्शन में सीमा हमारा तो बहुत मजाक बनाने वाली है। तुम सही कह रही हो नीलम, सीमा हमारा बहुत मजाक बनाएगी। अर्पिता और नीलम ये बात कर ही रहे थे कि तभी सबसे छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू हो, कोई परी हमें आकर सुंदर सुंदर घाघरा चोली दे दे जैसे कि कहानियों में होता है। अरे नहीं पगली, ऐसा बस कहानियों में ही होता है, वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्पिता इतना कह रही थी कि तभी आसमान से एक परी उतरती है। परी को आता देख छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी देखो परी आ गई। तीनों बहनें परी को देखकर हैरान हो जाती है। लड़कियों हैरान मत हो, मैं सिंड्रेला परी हूँ जो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए मैं तुम तीनों को बहुत सुंदर सुंदर घाघरा चोली दूंगी। फिर क्या था, सिंड्रेला परी ने अपनी छड़ी घुमाकर तीन घाघरा चोली प्रकट किए और तीनों बहनों को एक एक घाघरा चोली दे दिया। घाघरा चोली पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुईं। तभी नीलम ने कहा, अरे वाह ये घाघरा चोली तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अब देखते हैं वो सीमा हमारा मजाक कैसे बनाएगी। नीलम ये घाघरा चोली सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, ये जादुई भी है। उसके बाद तीनों बहनें वो घाघरा चोली लेकर घर चली जाती हैं। फिर फंक्शन वाला दिन आता है, तीनों बहनें अपना सुंदर सुंदर घाघरा चोली पहनकर एनुअल फंक्शन में जाती हैं। घाघरा चोली जादुई था इसलिए उसे पहनते ही तीनों बहनों की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। फंक्शन में जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स की नज़र सिर्फ तीनों बहनों पर ही थी, यहाँ तक कि कॉलेज के सबसे स्मार्ट लड़के कुणाल की भी नज़र तीनों बहनों पर ही थी। सीमा तीनों को देखकर बहुत जल जाती है, इनके पास इतने खूबसूरत कपड़े कहाँ से आ गए, अभी इनके कपड़े खराब करती हूँ। उसके बाद सीमा अर्पिता के कपड़े पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। वहीं खड़ा कुणाल सब कुछ देख रहा था, वो अर्पिता के पास आकर कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी ड्रेस साफ करने में आपकी मदद करवा सकता हूँ। हाँ जी क्यों नहीं। ये देखकर सीमा और ज्यादा जल जाती है, उसकी चाल एकदम उल्टी पड़ जाती है। जादुई घाघरा चोली पाने के बाद तीनों बहनों की तो जिंदगी ही पलट जाती है, अब पूरा कॉलेज उनसे बात करने के लिए उनके पीछे पीछे घूमता रहता था, यहाँ तक कि कुणाल भी। जादुई घाघरा चोली से वो तीनों और बहुत सारे कपड़े मांग लेते हैं और साथ ही अपनी गरीबी भी दूर कर लेते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। सौतेली काली बहन के सुनहरे बाल। ज्योति का रंग बहुत ही ज्यादा काला था और तो और उसके सर पर बहुत कम बाल थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बदसूरत दिखाई देती थी। ज्योति अपनी तीन चचेरी बहन सपना, शीतल और मीना के साथ अपने चाचा के घर में रह रही थी। ज्योति के माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद ज्योति को उसके चाचा ने घर के काम करवाने के लिए अपना लिया था। अब ज्योति की चाची विमला ज्योति से सारे घर के काम करवाती। एक दिन ज्योति नहा धोकर किचन की ओर जा रही होती है, तभी ज्योति की चचेरी बहन सपना कहती है, अरे महारानी कहाँ जा रही हो सुबह सुबह बंठन कर, सुबह के 10 बज रहे हैं, नाश्ता पानी होगा कि नहीं? मैं किचन की ओर जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, थोड़ी देर रुक जाओ मैं नाश्ता लेकर आती हूँ।
वो जरा मुझे सुबह सुबह बाल धोने में थोड़ी देरी हो गई। ज्योति की ये बात सुनकर बाकी तीनों बहनें जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। ओ माय गॉड, तुम्हारे सर पर बाल तो है नहीं और कह रही हो कि बाल धोने में देरी हो गई? एक एक बाल को गिन गिन कर धो रही थी क्या महारानी? मुझे तो यही लग रहा है कि ये नहाते वक्त अपना एक एक बाल धोती होगी, कहीं वो बाल भी टूट कर गिर ना जाए। सपना जरा देखो तो सही, जब इसके सर पर दो बाल है तो इसको इतना घमंड है। रंग काला है फिर भी अकड़ तो ऐसी है तीखी मिर्च की तरह। पता नहीं हमारी तरह सुंदर होती तो क्या ही भाव होते इसके। अब यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जा जल्दी से किचन में जाकर हमारे लिए नाश्ता बना दे, सुबह से पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर देरी की तो माँ से कहकर तुझे इतना पिटवाऊंगी कि चार दिन तक उठने लायक नहीं रहेगी, समझी? ऐसा व्यवहार ज्योति के साथ पहली बार नहीं हो रहा था, ये सब तो शुरू से ही उसके साथ हो रहा था। ज्योति को अपने कम बाल और काले रंग के कारण अपनी बाकी बहनों से बहुत सुनना पड़ता था। रोजाना ये बातें सुन सुनकर ज्योति के दिल को बहुत ठेस पहुंचती थी, परंतु वह चुप रहती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी। ज्योति चुपचाप रसोई घर के अंदर चली जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता तैयार हो जाने के बाद वो नाश्ता लेकर टेबल पर पहुंच जाती है। ये लो नाश्ता तैयार हो गया है, मैंने तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाए हैं और गर्मा गर्म चाय भी है। सपना जैसे ही पकौड़ा उठाकर अपने मुंह में डालती है, पकौड़ी बहुत गर्म होने की वजह से उसका मुंह जल जाता है। हे भगवान, मार डाला रे, इतने गर्म पकौड़े खिलाकर तू हमें मारना चाहती है? क्या बता नहीं सकती थी कि पकौड़े गर्म है? मैं इसके सब चाल बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये हम सब बहनों का बुरा चाहती है और हमें मारना चाहती है। इतना कहने के बाद शीतल ज्योति का हाथ पकड़कर कस के मरोड़ देती है। ज्योति को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाती है, आह मेरा हाथ छोड़ो शीतल, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इस तरह परेशान करोगी और हम चुप रहेंगे? मैं सब जानती हूँ, तुम चाहती हो कि हम तुमसे काम करवाना बंद कर दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें इस गलती की सजा दूंगी ताकि तुम्हारा फिर से ऐसा करने का कभी मन ना हो। इसके बाद तीनों बहनें मिलकर बेचारी ज्योति को गंजा कर देती है। ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम तीनों मेरी बहन हो और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार, मैंने कभी भी तुम तीनों के साथ बुरा नहीं किया। अच्छा तो तेरी जुबान भी कैंची की तरह चलती है, मैं तो कह रही हूँ सपना इसकी जुबान भी काट दो, आज बहुत अच्छा मौका है, कभी बोल ही नहीं पाएगी फिर। मेरे पास तो इससे अच्छा एक और उपाय है, क्यों ना हम इसे घर से बाहर ही निकाल दे। सपना मीना और शीतल मिलकर ज्योति को बहुत मारते पीटते हैं और उसे घसीट कर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी ज्योति रोते हुए जंगल की ओर चली जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? मेरे बचपन में ही मुझसे मेरी माँ बाप को छीन लिया और अब मुझे इन तीन बदमाश बहनों के पास भेज दिया। हे भगवान, तुम मुझे किस जन्म की सजा दे रहे हो? इससे अच्छा तो तुम मुझे इस दुनिया में भेजते ही नहीं। बेचारी ज्योति रोते रोते ये सब बातें कहते कहते आगे बढ़ती है। ज्योति की ये सारी शिकायतें ऊपर आसमान में उड़ रही परी सुन रही होती है और वो ज्योति के सामने प्रकट होती है और कहती है, ज्योति मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, मैं जानती हूँ तुम्हारी तीनों बहनें तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती है, क्योंकि तुम बहुत काली हो, परंतु तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक वरदान है। परी, आप तो परी है ना जो आसमान में रहती है, आप तो सबकी मदद करती है, आप मेरी भी मदद करिए ना, आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो, मैं अपने बहनों और अपने चाची चाचा से बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ ज्योति कि तुम बहुत परेशान हो और तुम जानती हो जीवन जो है ना बहुत कठिन होता है, अपने जीवन के महत्व को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, हमें यूँ हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा कहने के बाद परी ज्योति के सर के ऊपर हाथ रखती है, हाथ रखते ही ज्योति के सर पर लंबे सुनहरे बाल आ जाते हैं और वो बहुत ही गोरी हो जाती है और एकदम अप्सरा लगने लगती है। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है।
ज्योति को बहुत प्यास लगती है और वो नदी किनारे पानी पीने के लिए जाती है। पर जैसे ही वो अपने आप को पानी में देखती है वो हैरान रह जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। क्या ये सचमुच में मैं ही हूँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मेरे इतने अच्छे सुंदर बाल और मेरा इतना अच्छा रंग, अब तो मैं बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। ज्योति अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसे याद आता है कि उसने कल से कुछ नहीं खाया है और उसे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बहुत जोरों से भूख लग रही है। काश मुझे यहाँ आसपास कुछ खाने को मिल जाए। ज्योति के इतना कहते ही ज्योति के बालों से एक रोशनी निकलती है और उसके सामने स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। अरे ये क्या, लगता है ये कोई मामूली बाल नहीं बल्कि जादुई बाल है और ये मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगी। ज्योति अब बहुत खुश हो जाती है और पेट भरकर खाना खाती है। उसके बाद वो अपने उस जादुई बालों से एक घर मांगती है। इतना कहने के बाद ज्योति के सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है। ज्योति उस घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि घर के अंदर तो उसके जरूरत का सभी सामान उपलब्ध है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, इस घर में तो मेरी जरूरत का सभी सामान मौजूद है, अब मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। ज्योति अपने पूरे घर को घूम घूम कर देखती है और वो अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी अलमारी में तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है। ये ड्रेस देखकर ज्योति उनमें से एक ड्रेस पहन लेती है। इसके बाद वो अपनी तीनों सौतेली बहनों के पास जाती है। अरे ये कौन सा जादू हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही ज्योति है। अरे हाँ, ये कल्लो माई इतनी गोरी कैसे हो गई और इसके सर पर इतने सारे सुंदर सुनहरे बाल कैसे आ गए? कल तक तो ये गंजी थी, मुझे लग रहा है ये कोई जादू टोना करवा कर आई है। मैं तो कहती हूँ हमें इसे दूर ही रहना चाहिए, कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। नहीं, ये सब तो मुझे आसमान में रहने वाली परी ने दिया है और देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। ज्योति के पास इतना कुछ होने के बाद भी अपनी बहनों के पास वापस आना बाकी बहनों को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने बुरे कर्मों पर बहुत बुरा महसूस करती है और ज्योति से माफी मांगती है। ज्योति अपनी बहनों को माफ कर देती है और अपनी बहनों के साथ हंसी खुशी से अपने जादुई घर में रहने लगती है। सुंदरगढ़ राज्य में राधा अपनी माँ के साथ रहती थी। राधा बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की थी। राधा की माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, राधा की माँ काम करके जब घर लौट रही थी तभी अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है और वो देखती है कि बारिश के पानी में एक बहुत ही चमचमाती चीज बह रही है। अरे इस बारिश के पानी में ये चमकदार चीज क्या है? जब वो पास जाकर देखती है तो वो किसी राजकुमारी की चमचमाती हीरो से सजी सैंडल होती है। राधा की माँ उस सैंडल को उठाकर अपने घर ले आती है। राधा बेटी ये देखो मुझे क्या मिला है। माँ ये सैंडल तो बहुत कीमती है और इस पर हीरे भी लगे हुए हैं। इतनी महंगी सैंडल तो किसी राजकुमारी के ही हो सकते हैं। हाँ पर ये सैंडल तो एक ही है, क्यों ना हम इसे शहर ले जाकर बेच दे, इससे हमें खूब सारे पैसे मिल सकते हैं। नहीं माँ ये सैंडल हमारा नहीं है तो इसे बेचने का हक भी हमारा नहीं है। मैं कल ही राज दरबार में जाकर राजकुमारी रागिनी को ये सैंडल दे दूंगी, उनका ही होगा, अधिक बारिश की वजह से पानी में बह गया होगा। और देखना माँ वो खुश होकर जरूर हमें कुछ ना कुछ इनाम तो जरूर देंगे। पर बेटा ये एक सैंडल है, अगर उसने दूसरा भी मांगा फिर क्या होगा? अरे मेरी प्यारी माँ तुम चिंता मत करो, वो दूसरे सैंडल नहीं बल्कि खूब सारा इनाम देंगी मुझे। तुम कहती हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ, पर जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है।
अरे माँ, ज्यादा मत सोचो और अब तुम सो जाओ। अगली सुबह राधा उस सैंडल को लेकर राज दरबार में पहुँचती है। राजकुमारी रागिनी, कोई आपसे मिलने आया है, अंदर ले आओ। राधा अंदर आकर राजकुमारी को वो सैंडल देती है। सैंडल को देख राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा सैंडल है जो कि खो गया था। मैं इसके लिए कितनी परेशान थी। तुम्हें पता है, ये सैंडल मुझे मेरे जन्मदिन पर परी ने गिफ्ट दी थी। लाओ दो मेरी सैंडल। राजकुमारी राधा के हाथ से सैंडल ले लेती है। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ एक ही है, दूसरे सैंडल कहाँ है? ये क्या मजाक है, मुझे मेरे दूसरे सैंडल भी दो। पर राजकुमारी, मेरी माँ को तो सिर्फ एक सैंडल ही मिले हैं और मैं दूसरा कहाँ से लेकर आऊँ? बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तो माँ बेटी ने। पहले तो तुमने मेरी सैंडल चुरा ली और अब मेरा ही सैंडल लेकर मुझसे ही इनाम लेने चली आई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा दूसरा सैंडल भी ला कर दो। तुमने ही मेरी सैंडल चुराई है। राधा के लाख समझाने पर भी राजकुमारी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो कहती है, तुम्हारे पास दो दिन की मोहलत है, दो दिन के अंदर या तो तुम मेरी सैंडल ला कर दे दो या फिर सजा के लिए तैयार रहो। इतना बोलकर राजकुमारी उससे जाने को कहती है। माँ ने बिल्कुल सही कहा था, अब मैं क्या करूँ? सैंडल का दूसरा जोड़ा अब कहाँ मिलेगा और मैं कहाँ से लेकर आऊँगी? राधा बहुत दुखी मन से घर आती है। मिल गया तुझे इनाम, सैंडल तो तू दे ही आई होगी, पर तेरा मुँह क्यों उतरा हुआ है? राधा फिर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब क्या होगा माँ, दूसरी सैंडल अब कहाँ से लाऊंगी मैं? मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, अब फंस गए ना हम। अब हमारी बातों पे कौन यकीन करेगा, लोग तो हमें ही चोर समझेंगे। ऐसा मत कहो माँ, कुछ तो करो, मैं अपने ऊपर ये चोरी का इल्जाम बिल्कुल भी नहीं सह सकती। अब इस मुसीबत से तो ऊपर वाला ही निकाले। इतना बोलकर उसकी माँ सो जाती है। राधा को पूरी रात नींद नहीं आती है, वो सोच रही होती है, आखिर ईमानदार लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो उनकी चीज उन्हें लौटा रही थी और उन्होंने ही हमें चोर समझ लिया। अब मैं अपने आप को सही कैसे साबित करूं? अगले दिन राधा एक तालाब के किनारे उदास बैठी होती है। अब कल मुझे दरबार में फिर से बुलाया जाएगा और सबके सामने मुझे चोरी के इल्जाम में सजा दी जाएगी, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ, मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की और आज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। राधा की बातें सुनकर तालाब में से एक जलपरी बाहर आती है और वो राधा से उसके समस्या पूछती है। राधा उसे सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना बोलकर जलपरी खूब सारे सैंडलों की बारिश कर देती है, लेकिन उन सभी सैंडलों में से राजकुमारी के उस सैंडल का दूसरा जोड़ा नहीं होता। राधा ये देखकर फिर उदास हो जाती है। जलपरी जी, इन सारे सैंडलों में वो सैंडल तो है ही नहीं जो मुझे चाहिए, फिर मैं इन सारे सैंडलों का क्या करूँगी? आप इन्हें वापस ले लो, और वैसे भी आप मुझे वैसा सैंडल दे ही देंगी तो उससे मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम तो नहीं खत्म होगा। जलपरी को राधा पर बहुत दया आती है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो राधा, मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। राधा फिर उदास मन से घर आ जाती है। अगले दिन उसे राज दरबार में बुलाया जाता है। अच्छा, तो तुमने सोच लिया है मेरी सैंडल नहीं दोगी, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरी एक सैंडल बेच दी हो? राजकुमारी, मेरा यकीन करें, मैंने आपके सैंडल नहीं चुराए हैं। तुम जैसे लोगों का यकीन नहीं बल्कि उन्हें सजा दी जाती है। रुक जाओ राजकुमारी, बिना सच्चाई को जाने किसी को सजा देने का हक आपको नहीं है। आप नहीं जानते परी जी, इसने आपके दी हुई मेरी सैंडल चुराई है।
मैं सब जानती हूँ राजकुमारी, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सैंडल आपने अपने लापरवाही की वजह से जंगलों में खो दी थी। वो तो एक सैंडल बारिश में बहते बहते राधा की माँ को मिल गया, तो वो बेचारी उसे आपको लौटाने आई थी। आपको उसको धन्यवाद करने की जगह उसे सजा सुना रही हो। मुझे माफ कर दीजिए परी जी, मैंने बिना सच्चाई जाने एक निर्दोष को सजा देने जा रही थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राधा तुम भी मुझे माफ कर दो। राजकुमारी जी आप माफी मत मांगो, आपको सच का पता चल गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। इसके बाद राधा हंसी खुशी अपने घर लौट गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे नए चैनल कुकू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।